गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास बेटे हमने फर्स्ट लेसन शुरू किया हुआ था द पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली, वो ख़त्म हो गया है। अब जो आपका सेकंड लेसन है पार्ट ए का, उसमें आपका लेसन का नाम है उधारवाद। उधारवाद क्या है बेटा? आपने प्लस टू क्लास में ना कुछ जो है ना राजनीतिक विचारधाराएं पढ़नी है। तीन राजनीतिक विचारधाराएं बेटा आपने इस क्लास में पढ़नी है। एक है उनमें से पहली उधारवाद, दूसरी है मार्क्सवाद और तीसरी है गांधीवाद। आज हम जो राजनीतिक विचारधारा शुरू करने जा रहे हैं ना बेटा, उसका नाम है उधारवाद। उधारवाद को इंग्लिश में कहते हैं लिबरलिज्म। है क्या उधारवाद? एक राजनीतिक विचारधारा है। अब ये जो लिबरलिज्म है, इसका शाब्दिक अर्थ देखें। सबसे पहले उधारवाद का शाब्दिक अर्थ लिखें। देखा बेटा, उधारवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिबरलिज्म कहते हैं। और जो लिबरलिज्म है, उस शब्द की उत्पत्ति, मतलब ये शब्द कहाँ से आया? लातिनी भाषा के शब्द लिबरलिस से हुई है। मतलब ये लिबरलिज्म शब्द लातिनी भाषा का शब्द है, लिबरलिस वहाँ से निकला है। लिबरलिस का अर्थ होता है बेटा स्वतंत्र व्यक्ति, मतलब आज़ाद, एक आदमी जो आज़ाद हो। उधारवाद बेटा एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति को हर तरह की स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। उधारवाद को बेटा हम व्यक्तिवाद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को हर तरह की स्वतंत्रता देना चाहता है। ठीक है बेटे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उधारवाद है क्या। तो ये एक राजनीतिक विचारधारा है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिबरलिज्म कहते हैं। लिबरलिज्म शब्द कहाँ से निकला है बेटा? लातिनी भाषा का शब्द है लिबरलिस, उससे निकला है। और लिबरलिस का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र व्यक्ति। तो उधारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति को हर तरह की स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। ठीक है बेटा, उधारवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ लिबरलिज्म का वो क्लियर है। अब है सेकंड क्वेश्चन, उधारवाद की परिभाषा लिखें। परिभाषा आपने लिखनी है बेटा, डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन होती है जो किसी राइटर के द्वारा दी गई होती है, मतलब जो एज इट वैसे की वैसे ही लिखी जाती है। तो ये डेफिनेशन है हेलोवेल की। किसकी है? हेलोवेल। उधारवाद क्या कहता है वो, कि लिबरलिज्म क्या है? व्यक्ति को हर क्षेत्र में, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता देना चाहता है। कि उधारवाद व्यक्ति को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल सभी जो होते हैं ना फील्ड्स होते हैं, उसमें स्वतंत्रता देना चाहता है। जैसे बेटा मैंने अभी इसके नाम का ही पहले बताया है कि उधारवाद को हम व्यक्तिवाद कहते हैं। ये व्यक्ति के पक्ष में है और व्यक्ति को हर तरह की स्वतंत्रता देना चाहता है। ठीक है बेटे, डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधारवाद के दो रूप लिखें। उधारवाद के दो रूप हैं बेटा, एक है परंपरावादी उधारवाद, एक है आधुनिक उधारवाद। ये दो रूपों का क्या कारण है बेटे? जो परंपरावादी उधारवादी थे ना बेटा, उनके विचार जो थे काफ़ी पुराने थे, जिसके कारण जो है उनकी आलोचना बड़ी होने लगी थी। आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाने लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप में परिवर्तन लाते हुए एक नया उधारवाद बना लिया, जिसे समकालीन या मॉडर्न आधुनिक उधारवाद कहा जाता है। ठीक है, परंपरावादी उधारवादी जो थे वो व्यक्ति को स्वतंत्रता देना चाहते थे, राज्य को बुरा मानते थे और निजी संपत्ति के पक्ष में थे। मतलब वो चाहते थे कि व्यक्ति को हर क्षेत्र में खुला छोड़ दो, राज्य उससे कुछ भी नहीं पूछे कि कहाँ से तेरे पास आए हैं। इवन इकोनॉमिक फील्ड में भी व्यक्ति को खुला छोड़ने के पक्ष में थे ये जो परंपरावादी उधारवादी थे। फिर इन्होंने अपने आप में सुधार लाया तो नए उधारवाद रूप सामने आया हमारे, जिसे हम आधुनिक उधारवाद या समकालीन उधारवाद कहते हैं। ये उधारवादी ऐसे थे बेटा जो आर्थिक क्षेत्र में भी व्यक्ति को खुला छोड़ने के पक्ष में नहीं थे, वो राज्य को बुरा नहीं मानते थे, निजी संपत्ति के पक्ष में तो थे लेकिन राज्य को वो बुरी संस्था नहीं मानते थे। तो ठीक है बेटे, आज हमने नया लेसन शुरू करा है, लेसन का नाम है उधारवाद। उधारवाद को इंग्लिश में कहते हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का लिटरल मीनिंग हमने कर लिया है, उसकी डेफिनेशन हमने करी है, उसके जो दो काइंड्स हैं, टू काइंड्स हैं, वो भी हमने कर ली है। ओके बेटा।